तो दोस्तों कैसे आप लोग, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। और जो बगल में बेल आइकन उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। अरे टाइटन, तुझे तो मैंने दफना दिया था, लेकिन तू फिर से जिंदा कैसे हो गया? और मैंने तो कोई मौका भी नहीं छोड़ा था इस बार कि तुझे कोई शैतानी शक्ति जिंदा कर सके, लेकिन मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तू कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे करना आती है। साले मुझसे पंगा लेगा? टाइटन से? टाइटन कभी मरते नहीं है, तुझे पता है ना, और वो मार के ही जाते हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने दफना दिया था इस बार, लेकिन तू शैतान कभी नहीं सुधरेगा। साले मार डालूंगा तुझे, मुझे दफनाने वाला अभी तक कोई जिंदा नहीं बचा। ये ले मेरी शक्तियाँ। टाइटन से पंगा ले रहा था, देखी मेरी पावर कोबरा, तुझे आखिरकार धूल चटाई थी मैंने। अब मर रहेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा। अरे अरे, ये कितना भयानक सपना था। अरे अरे, मुझे तो लगा कि ये सचमुच हो रहा है। यार ये जरूर कुछ चेतावनी है आने वाले संकट की। मुझे नागरानी से पूछना ही पड़ेगा, आखिरकार ये भयानक सपना मुझे ही क्यों आया। मुझे लगता है ये आने वाले संकट की चेतावनी है। चलो नागलोक चलता हूँ, महारानी बता पाएगी अब इसका हल। आखिरकार पहुंच ही गया नागलोक, लेकिन यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ होगी नागरानी? अरे नागरानी, अरे माँ कहाँ हो आप? प्रकट होइए, मुझे आपकी आवश्यकता है माँ, प्रकट होइए। अरे बेटा कोबरा, क्या हुआ, क्यों तुमने मुझे याद किया बेटा, बोलो। अरे माँ, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ ही ज्ञात होगा कि क्या कुछ मेरे साथ घटित हुआ है माँ। हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है सब कुछ, लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी एक संकट तुम पर आने वाला है। लेकिन माँ, टाइटन से बड़ा संकट क्या हो सकता है, और वही मेरे सपने में क्यों आया? बेटे मैं सब कुछ तो बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि आने वाले कल के बारे में अगर तुम्हें बता दिया तो कल कल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ऐसा सृष्टि के खिलाफ होगा बेटा। इसलिए तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हें उस संकट से डटकर सामना करना है बेटा। हाँ माँ, मैं डटकर सामना करूँगा। हाँ पुत्र, तो ऐसा करो कि जो भी तुम्हारे नज़दीक है, जो भी लोग, उन्हें पहले सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ पुत्र। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा, और आने वाले खतरे का डटकर सामना करूँगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तो ध्यान से। शुक्रिया माँ। मुझे अब आने वाले खतरे का एहसास हो गया है, अब उसका डटकर सामने करूंगा। लेकिन मेरे जो भी नज़दीक है, मेरा प्यार अंजलि, उन्हें भी सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब उन्हें नहीं खोना चाहता। चलो चलता हूँ मैं। अब मैं अपनी काली शक्तियों से और टाइटन को बुलाऊंगा और इस पूरे ब्रह्मुरा पर राज करूंगा, राज। और सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा इस धरती का। टाइटन प्रकट हो, प्रकट हो। ओम ब्रह्म भीम स्वाहा, प्रकट हो। मुझे किसने याद किया? मेरी दुनिया से मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? तुम्हें मैंने बुलाया है, मैंने। अरे कौन हो तुम, और क्यों मेरा आह्वान किया है तुमने? मैं तुमसे कुछ काम चाहता हूँ, कि तुम इस पूरे ब्रह्मुरा को खत्म कर दो और यहाँ पर मेरा राज स्थापित कर दो। आखिरकार क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा आका हूँ। तुमसे पहले भी मैंने एक टाइटन का आह्वान किया था, लेकिन वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया और वो मर चुका है अब। आखिरकार किसने उसे मारा? वो मेरा भाई था। भले ही तुम्हारा भाई था, लेकिन उसने कोबरा को मारा था, और लेकिन कोबरा ने आखिरकार उसे मार ही डाला। लेकिन तुम्हारे होते हुए ऐसा हुआ कैसे? तू कैसा इंसान है, मेरे भाई को नहीं बचा सका? हम तो इंसान ही है केवल, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। तूने मेरे भाई को मारा ना, अब तू भी मरेगा पहले मेरे हाथों से। कोबरा को तो मैं मार ही डालूंगा। अरे मार, पुलिस ये क्या कर रहा है?
अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा तुझे। तू मुझे मारेगा? ये ले साले, मार मेरे हाथों। मुझे माफ कर दो टाइटन, लेकिन मैं कोबरा का सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तो मैंने तुम्हारा आह्वान किया था। मेरा आह्वान तो ठीक किया, लेकिन मेरे भाई को कैसे मरने दिया? तुझे छोड़ूंगा नहीं, मसल डालूंगा, पहले तुझे ही मारूंगा। मुझे माफ कर दो टाइटन, माफ कर दो। अगर बचना चाहता है तो बता कहाँ है कोबरा। कोबरा कोबरा बरमूडा में है, शिपयार्ड में है वो। शिपयार्ड में है ना, बता दिया, अब मरेगा तू। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तूने मेरे भाई को मरने दिया था ना, इसलिए अब तू भी मरेगा, जिंदा नहीं बचेगा कोई भी। ये ले, मार मेरे हाथों से। अरे नहीं, ये तो मर गया, लेकिन कोबरा तू भी मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। आ रहा है टाइटन, टाइटन बदला लेने आ रहा है अपने भाई के खून का, आ रहा है। पहुंच गया अंजलि के घर के सामने, लेकिन अब जल्दी चलता हूँ, उन्हें संचेत भी करना पड़ेगा। अरे अरे अंकल। अरे हाँ बेटा। अरे कौन हो? अरे अंकल मैं कोबरा हूँ। अरे हाँ बेटा कोबरा, बोलो क्या हुआ? अरे अंकल अंजलि कहाँ है? बेटा अंजलि तो ऊपर है। ठीक है अंकल, मैं उससे मिलता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। अरे अंजलि। अरे हाँ कोबरा, बोलो क्या हुआ? अरे अंजलि मुझे तुमसे एक बात करनी है। अंजलि। हाँ बताओ बताओ क्या हुआ? अंजलि बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बताओ कोबरा क्या हुआ? कि तू मेरी जान को खतरा है अंजलि। अरे क्या हो रही है कोबरा, मेरी जान कौन लेगा? अंजलि कोई खतरा आने वाला है, बहुत बड़ा संकट जो कि तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अरे तुम ऐसे ही डर रहे हो कोबरा, कुछ नहीं होगा हमें। भले ही कुछ ना हो, लेकिन अपना ध्यान रखना अंजलि, क्योंकि मेरा अब तुम ही हो सब कुछ, मेरा ना ही कोई फैमिली है, अब तुम और अंकल ही हो। ठीक है कोबरा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखा करो। हाँ अंजलि, चलता हूँ मैं। ठीक है यार, जल्दी चलता हूँ, मुझे आने वाले संकट का पता लगाना पड़ेगा। अरे कोबरा रुको रुको। अरे क्या बात है? अरे देखो ना, ध्यान से रहा करो और लोगों की सेवा ही मत करो, अपना भी देखभाल करो। हाँ अंजलि तुम चिंता मत कीजिए, अंकल अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। आ गया है टाइटन, और मुझे पता लगा है कि उस कोबरा के नजदीकी लोग यहीं रहते हैं, पहले उन्हें किडनैप करूंगा और उसके बाद इस कोबरा को बुलाऊंगा। चलो अंदर चलता हूँ सबसे पहले तो। अरे बूढ़े कहाँ है कोबरा? अरे बेटा कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अरे बूढ़े कहाँ है कोबरा, जल्दी से जल्दी बता। अरे बेटा कोबरा को क्यों चाहिए तुम्हें बेटा, बोलो आखिरकार क्या उसी बता गई बेटा। अबे तू बताता है कि नहीं बताता है? और ते लड़की कहाँ है वो, उसे बुला जल्दी से जल्दी। अरे नहीं बुलाऊंगा मैं, मुझे मार दे बेशक, उसे नहीं बुलाऊंगा। चल तो ठीक है, ये भी ठीक है, तुझे मार डालूंगा तो तेरी बेटी को नहीं। मुझे गोली से मारेगा, ये ले ये मर मेरे हाथों से, मर सारे मुझे गोली का गुस्सा। ये बूढ़ा तो मर गया, अब इसकी बेटी जरूर आएगी। अरे मेरे पापा को क्या हुआ? अरे अरे कौन है तुमने मेरे पापा को क्या कर दिया? मैं टाइटन हूँ टाइटन, कोबरा का दुश्मन, और कोबरा कहाँ है उसे बुला जल्दी से जल्दी। मैं कोबरा को नहीं बुलाऊंगी, मैं उसकी जान को खतरा नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बेशक मुझे मार डालो तुम। तुम्हें मार डाला तो वो कोबरा नहीं आएगा, कोबरा को बुलाऊंगा मैं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और कोबरा जरूर आएगा तुम्हें बचाने, जरूर। कोबरा को पता नहीं है कि मैं किस तरह का वॉरियर हूँ, इस तरह की मौत दूंगा उस कोबरा को कि उसकी रूह कांप उठेगी, रूह। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा, तभी कोबरा आएगा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें बचाने। चलो मेरे साथ चलो, चलो। हा, 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 हा,
मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुझे जिंदा निकल जाऊं। जल्दी से जल्दी कोबरा को बुला अपने आशिक कोबरा को, जिसकी यहाँ लाश दफनेगी। उसे मेरे भाई टाइटन को मारा था और अब ये टाइटन उसे बदला लेगा। और अपने साथियों को भी मैं यहीं बुलाऊंगा। इस जगह पर मैंने अपना चक्कर स्थापित कर दिया है और अपने साथियों को बुला रहा हूँ मैं। अरे कोबरा मुझे बचा लो, कोबरा कहाँ गया, कोबरा बचाओ मुझे। अरे टाइटन कायल, एक लड़की की आड़ लेकर छुपा है तू, लेकिन नहीं बच पाएगा तू मेरे हाथों से, क्योंकि कोबरा के हाथ बहुत लंबे हैं। आखिरकार कोबरा तू आ ही गया। मेरे भाई टाइटन को मारा था तूने, अब ये भाई तेरा बदला लेगा उसे। उसको तो मारा ही था, लेकिन अब तू भी नहीं बचेगा मेरे हाथों से। और तुझे अपनी शक्तियों पर इतना ही घमंड है तो मुझसे आकर लड़ना, इस लड़की का सहारा क्यों ले रहा है। अबे साले, हाँ देखता हूँ तुझमें कितनी ताकत है। टाइटन का मुकाबला कर सकता है तू कि नहीं कर सकता है, दिखाता हूँ तुझे अपनी ताकत। ये टाइटन की ताकत कितनी होती है तुझे शायद पता नहीं है। अरे तू मेरी शक्तियाँ देखेगा, अरे हिला कर रख डालूंगा तुझे मैं। हाँ चले देखते हैं कौन हिला कर रख डालता है। औकात नहीं है तेरे मेरे सामने बच्चे, मरेगा लेकिन तू मेरे हाथों से। औकात की बात तो लड़कियां करती है टाइटन, अगर तू मर्द का बच्चा है तो दम दिखा दम। हाँ तो दम देखेगा ना तू मेरा, ये देख, ये देख हम मेरा दम देखेगा ना। तुझ में इतनी ही दम है, अब तू मेरी शक्तियां देख, हिला कर रख डालूंगा तुझे मैं, तुझे भी खत्म कर डालूंगा तेरे दोस्तों की तरह। मेरा कबज देख बच्चे, कबज, टाइटन का कबज कितना खतरनाक होता है तुझे बताना ही पड़ेगा। मेरी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा। आखिरकार मर ही गया, मुझसे पंगा ले रहा था दो टके का इंसान, पता नहीं है इसे। अरे कोबरा तुमने मुझे बचा लिया कोबरा। अरे अंजलि तुम ठीक तो हो ना? हाँ कोबरा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कोबरा टाइटन कुछ यहाँ कर रहा था, वो अपने और भी साथियों को बुला रहा है यहाँ पर। अब कौन से टाइटन आ गए, मुझे लगता है कि कुछ और संकट आने वाला है इस बड़मुड़ा पर। हाँ मुझे भी लगता है कोबरा, क्योंकि उसने यहाँ कुछ पता नहीं कुछ कर रहा था। अरे तुम रो मत, तुम्हारे कोबरा के होते हुए यहाँ बड़मुड़ा पर कोई राज नहीं कर पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ पर सिर्फ अच्छाई की जीत होगी, ना कि बुराई की। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए हम किस तरह की नेक्स्ट वीडियोस बनाएं। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।